Assalamualaikum and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? मजे में? भाई देखें, आज काफी दिनों बाद मैं जमीन पे बैठ रहा हूँ, मतलब प्रॉपर पांव बांध के, ठीक है ना? ये देखें भाई, आज जो है ना हमने बोला कि जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे और पांव को जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करते हैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की. मुझे क्या हुआ? मुझे चोट लग गई थी ना, बुबू हो गया था, आपको पता है ना? हाँ, ये वाला सही हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी खाने में दाल चावल और खीरा है, लेकिन आज जो है ना आपका भाई इसके अंदर कुछ जो है ना इनोवेशन करने वाला है. वैसे तो जो है ना ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मैंने बोला कि चलें यार कुछ नया ट्राई करते हैं यार. इसके साथ जो है ना स्लिम चिप्स खाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सपेरिमेंट जो है ना बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ. दाल जो है ना बहुत अच्छी बनी है, दाल चावल के साथ बहुत मजा कर रही है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. कभी भी ट्राई नहीं कीजिएगा चिप्स इसके साथ खा के. जी फिनिश कर दो ना. खा लूं मैं? तो खाना पड़ेगा. अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कौन आ जाएगा? बाबा. ओए ओए भाई, खाना नहीं खाऊंगा तो मामा तेमत बोल रहा है, भू बाबा आ जाएगा, जल्दी जल्दी खा लेता हूँ. आप पहनाओगे सॉक्स मुझे? हाँ? वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, मेरा बच्चा मुझे सॉक्स पहनाएगा यार. चलो भाई, मीठे मीठे हाथों से मुझे सॉक्स पहनाओ. माशाल्लाह माशाल्लाह, सॉक्स पहनाने आते हैं आपको? और पहनाओ और पहनाओ और पहनाओ. ऐसे वाजे लगा रहा है यार. मैं सोच रहा हूँ कि आपने मुझे सॉक्स पहनाया, मैं आपको क्या दूं? हैं? सुकून गोली. अब हम निकालते हैं मोहम्मद अहमद के लिए सुकून की गोली. ये लो सुकून की गोली तो नहीं है. ये लो, कहाँ गई? कहाँ गई सुकून की गोली? सुकून की गोली नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने एक अल्टरनेट के ऊपर इसको राजी कर लिया है, और वो अल्टरनेट जो है ना ये है भाई, गुडाइवा का चॉकलेट निकाल के देते हैं. ये वाला चलेगा भाई? हाँ. चले भाई, खुश है? पूरी डब्बी दे दो. है? पूरी डब्बी दे दो. हाँ, ये देखे भाई, फैल रहा है, फैल रहा है. अच्छा अपना हाथ दो, हाथ दो, जल्दी से हाथ दो. ये अभी जो है ना अच्छे बच्चे बन के एक पे गुजारा करो, ठीक है? ओए होए, गिरा दिया. सुभान अल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून. भाई आज का दिन, आज का सफर, आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है हमने. आज बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी काम पता है कौन सा है? सारे के सारे. सबसे पहले तो टाइम हो गया है नमाज का, नमाज पढ़ते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज पढ़ ली है. अब जो है ना मैं अब्दुल कबीर को एक एक्टिविटी करवाने के लिए लेके आया हूँ. टीचर ने बोला है कि आपने इसको सब्जी वाले के पास भेजना है और उसको दो वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं कि ये खुद लेके आए. अब आपने देखना ये लेके आता है या नहीं आता. भाई आप क्या लेके आओगे? खीरा चाहिए मुझे और गाजर चाहिए. सही है, जाओ वो रहे सब्जी वाले अंकल, जाओ लेके आओ. गया भाई अब्दुल कबीर गया लेने के लिए. ये देखो अपनी मस्तियों के अंदर लग गया, बाइक के ऊपर बैठा है. अब्दुल कबीर जल्दी से लेके आओ बेटा दोनों वेजिटेबल्स. हम बातचीत कर रहा है, बोल रहे थोड़ा थोड़ा दे दो. लेके आ गया भाई सब्जी, लेके आ गया सब्जी, लेके आ गया. ट्रेन हो रहा है बच्चा, ट्रेन हो रहा है. क्या किया है इसके अंदर? खीरा और ये लें पकड़े. कितने पैसे हुए इसके? 200 रुपए. ये लें, ये कितने हैं? 200 रुपए. जाए दे के आए अंकल को, दे के आए. डील हो गई, डन. थैंक यू बोल दीजिएगा अंकल को. चले भाई, सौदा कर लिया भाई, सौदा कर लिया. और क्या दे दिया अंकल ने इसको? क्या दे दिया भाई? अच्छा कुछ पैसे वापस दे रहे हैं अंकल. अच्छा तो आपने गलत सुना था, अंकल ने 200 रुपए नहीं मांगे थे, अंकल ने आपसे कितने मांगे थे? 40 रुपए मांगे थे यार. चलो आ जाओ अब्दुल कबीर, अब आप मम्मू को जाके दिखाना और बताना आप क्या लेके आए हो. हाँ, और घर पे जाके इसको धोना, इसके छोटे छोटे पीसेस करना और फिर खा लेना. सही है? घर जा रहे हैं हम लोग. अच्छा घर जाना था, मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ तो अच्छा बैग लेना था इसका छोटा वाला. इसके अलावा भी कुछ कहा था? इसके अलावा क्या कहा था यार, क्या कहा था? आप इतना भूल जाते हो. चलो याद दिला दो ना. निहारी खानी थी. अच्छा निहारी खानी है भाई. चले भाई हम जो है ना अभी इस वक्त कश्ती चला रहे हैं, ये देखें दरिया से गुजरते हुए जा रहे हैं हम लोग निहारी खाने के लिए. निहारी खाने के लिए हम आ गए हैं ऊपर फैमिली वाले एरिया में जा रहे हैं. कौन सी निहारी खाएंगे? नली निहारी खाएंगे, मगज निहारी खाएंगे, या सादी निहारी खाएंगे? सादी. ये ले आ गई सादी निहारी आपकी, ये ले खा ले. हम कौन सी निहारी खाएंगे आप? हलीम की होती है. अगर आपने निहारी की दुकान पे आके हलीम खाई तो आपके ऊपर तो FIR कट जाएगी, मुझे लगता है केस हो जाएगा इनके ऊपर. आए हाय 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 भाई, गर्मा गर्म निहारी आ गई है और गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी रोटियां आ गई हैं. वैसे तो आपका भाई लंच कर चुका है, लेकिन निहारी को देख के कंट्रोल होगा नहीं, तो एक आधा निवाला तो बनता है. चले भाई पहला निवाला लेते हैं. आए हाय हाय, ये आ गई भाई बोटी, और इसको सही से जो है ना गोता लगवाते हैं निहारी के अंदर. ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मम
मजा आ गया, अचानक ही प्लान बन गया आज तो न्यारी का। अच्छी लगी आपको? वाह भाई वाह, वीआईपी सेटअप हो गया भाई। खाने के बाद जो है ना, बेगम ने खानी थी रबड़ी, ये ले मेरा, स्टार्ट करें स्टार्ट करें। और ये अब्दुल कबीर ने खानी थी खीर। रबड़ी कैसी है जरा चखते हैं भाई, थोड़ी सी मीठी भी नहीं है ज्यादा। रबड़ी अच्छी है। अल्लाह हाफिज़। भाई इस वक्त जो है ना 4 बज गए हैं, मैं और अब्दुल बासित भाई आ गए हैं शोरूम पे एक और मर्तबा। और आज जो है भजन कितनी गाड़ियां आई हैं? तीन से चार गाड़ियां आई हैं। और अब हमारा माइंड बन गया, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा था कि हम ये गाड़ी इंशाल्लाह रखेंगे, ये सोचे हैं। और साथ में जो है ना एक छोटी गाड़ी को लेने का सोचे हैं, तो वही छोटी गाड़ियां देख रहे हैं यार। बस अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा भाई। चेक करें, हमने मीरा का बोला था, तो यहाँ पे तीन तीन अलग अलग कलर के अंदर जो है ना मीराएं खड़ी हुई हैं। यार दिखने में तो खैर एक जैसी लग रही है, अभी हम इनकी डिटेल लेते हैं कि कौन सा मॉडल है, कब की रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर इन तीनों में से लेना पड़े तो कौन सा कलर आप लोग कहते हैं कि लेना चाहिए? वैसे आपके भाई को तो जो है ना ये कलर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। भजन ये कौन सा मॉडल है जरा बताएं ना यार, तीन तीन माशाल्लाह गाड़ियां जमा की है। 13-16 मॉडल है। 13-16 मतलब 13 का मॉडल है, 16 की रजिस्ट्रेशन। ओके, और ये येलो वाली 16 मॉडल है, 12 की रजिस्टर्ड है। सही है, 15 मॉडल है और 18 की रजिस्टर्ड। अच्छा जी, 15 और 18 पैकेज में एल पैकेज है तीनों। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट होते हैं ना, तो ये एल पैकेज है। अब हम जो है ना चला के देखेंगे। चले भाई, पहले जो है ना हम सिल्वर वाली की जो है वो ट्राई लेंगे कि सिल्वर वाली में कितना दम है। भाई देखिए, मेरे पास जो है ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं गाड़ी का इंजन चेक करूं, ये चेक करूं, वो चेक करूं। आपका भाई सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठता है और चला के देखता है। अगर मुझे सही मजा आ गया ना ड्राइविंग के अंदर, मतलब गाड़ी ओके। अगर मुझे मजा नहीं आया ना, तो मतलब गाड़ी ओके नहीं है। अब बैठते हैं भाई येलो वाली गाड़ी के अंदर। ओए होए, नीचे पर्पल वाली लाइट लगाई हुई है भाई बंदे ने। यार असल में मीरा गाड़ी जो है ना बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब ये पाकिस्तान आ जाती है ना, तो इसके बाद यहाँ पे जिस तरह रगड़ा जाता है ना इन गाड़ियों को, तो इनकी हालत खराब हो जाती है। तो मुझे जो है ना ये गाड़ी भी इतनी कोई खास समझ नहीं आ रही है। अब देखते हैं तीसरी वाली गाड़ी कि उसके अंदर कितना दम है, क्योंकि ये गाड़ियां जो है ना ज्यादातर उबर करीम पे चली होती है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत रफ यूज के अंदर आती है गाड़ियां। अब हमारा आखिरी ऑप्शन इस वक्त बाहर आ रहा है भाई, वाइट मीरा। निकल जाएगी, आ जाओ, सीधी सीधी ले आओ, बिल्कुल सीधी ले आओ, टर्न कर लो। भाई ये जो व्हाइट वाली गाड़ी है ना, ये उन दोनों गाड़ियों के मुकाबले में बेहतर लग रही है मुझे। चले भाई, रात के जो है ना इस वक्त कितने बज गए भाई, 8:06 हो गए हैं। और आज का व्लॉग आपका भाई जल्दी एंड कर रहा है, क्योंकि मुझे जल्दी सोना है, सुबह मुझे जल्दी उठना है, अब्दुल कबीर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का फंक्शन है, तो उसमें हमें टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, अच्छा गाड़ियां जो हमने देखी, तो उसमें आपके साथ शेयर करता हूं, व्हाइट मीरा मुझे अच्छी लगी, साफ सुथरी गाड़ी थी, सही है। लेकिन मुझे शोरूम वालों ने, जिशान भाई ने, रियान भाई ने बोला कि भाई अभी आप थोड़ा सा और वेट करें, जल्दबाजी का फैसला नहीं लीजिएगा, हम एक दो और ऑप्शन निकालेंगे, हो सकता है इससे कम चली हुई, इससे भी अच्छी कंडीशन के अंदर कोई गाड़ी मिल जाए, तो जो नसीब में होगी इंशाल्लाह वो मिलेगी। हम थोड़ा सा इत्मीनान के साथ ये फैसला लेंगे। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम।